सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आज सभी जन ईएमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं होम प्लान रिपेयर के बारे में। जैसे कि काफी सारे होम प्लान रिपेयर के बिजनेस है लोगों के, और यहां पे लोग जानना चाहते हैं कि सर हमारा एसी रिपेयर का काम है, वॉशिंग मशीन रिपेयर का काम है, फ्रिज रिपेयर का काम है, और हम अपने बिजनेस में काफी अच्छे कॉल्स चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे कॉल्स कैसे आए, यानी किस तरीके से हम यहाँ पे काफी अच्छा बिजनेस लेके आ सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका होम प्लान का एसी, वॉशिंग मशीन, चिमनी, आरओ या किसी भी कैटेगरी का काम है, तो आप 100% यहाँ पे बिजनेस तीन तरीके से लेके आ सकते हैं, जिसमें दो तरीके सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी बंदा गूगल पे जाके सर्च करेगा, कोई भी बंदा जाएगा तो वो क्या करेगा, फेसबुक पे या उस पे नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई भी बंदा होगा तो वो गूगल के ऊपर जाएगा और सर्च करेगा एसी रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। अब गूगल पे जाके सर्च करेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे नहीं जाएगा, तो गूगल पे पहले नंबर पे क्या आएगा, गूगल पे पहले नंबर पे गूगल के कॉल एड्स आएंगे, यानी गूगल में एड्स जो चलते हैं वो आएंगे। एड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉल ओनली एड्स, एक होता है सर्च एड। कॉल ओनली एड का मतलब है कस्टमर आया, सर्च किया, सीधा क्लिक मारा, सीधा कॉल डायलर पे चला गया, यानी आपको लीड्स आई। और जो बंदा थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, वो एक वेबसाइट बनवाता है और फिर एड चलाता है, ताकि कस्टमर आया, सर्च किया, देखा, क्लिक मारा, वेबसाइट पे गया, फिर कॉल किया, ठीक है। तो ये दो तरीके के ऐड है। इसमें मैं प्रीफर करूंगा आपको कि आपका अगर नया नया बिजनेस है और आपका ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप कॉल वाले ऐड जहाँ पे मुझसे सेटअप करवा सकते हैं। कॉल वाले ऐड काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको दे जाते हैं, कम बजट में ये बन जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, कॉल ऐड में रिस्पॉन्स कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ खर्च किए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बंदे ने मान लीजिए सर्च किया फाइव वॉशिंग मशीन सर्विस, एसी रिपेयर सर्विसेज वगैरह कुछ भी सर्च किया, तो जैसे किसी कस्टमर ने एड देखा, देखने का पैसा नहीं कटेगा, कस्टमर ने उस नंबर पे क्लिक मार दिया, क्लिक मारने का यहाँ पे पैसा कटता है कुछ 10-12 रुपए, 15 रुपए, जो भी आप बिडिंग सेट करवाते हैं उसके हिसाब से। मैं प्रीफर करता हूँ कि 10-15 रुपए यहाँ पे सेट करके चलना चाहिए अगर आपका बिजनेस होम प्लान रिपेयर का है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत 5-2 रुपए, 3 रुपए इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है वैसे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ही आपके काम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बजट ज्यादा है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो आपका मैटर करता है, वो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप बजट के हिसाब सेट कर सकते हैं। तो ये गूगल में कॉल एड्स बना के आप काफी अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी आपको बिजनेस ग्रो करना हो तो यहाँ पे होम प्लान्स का बिजनेस आपका है, वो गूगल माय बिजनेस लोकेशन से भी आता है। एक गूगल माय बिजनेस लोकेशन काफी अच्छा बिजनेस आपको निकाल के देती है, तो ऐसे भी ऐसे में आपको गूगल माय बिजनेस लोकेशन भी आप बना सकते हैं। और तीसरा तरीका है, अगर आपने बहुत अच्छा बिजनेस अर्न कर लिया, बहुत अच्छा काम आपको गूगल एड गूगल मैप से आ रहा है, तो आपको वेबसाइट भी बना लेनी चाहिए। वेबसाइट से आपको डायरेक्टली काम नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्रमोट करके ही आपको काम मिलेगा, पर प्रमोट कैसे करेंगे, गूगल एड्स या गूगल मैप के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको प्रीफर करूंगा वेबसाइट तभी बनानी चाहिए जब आपको लगता है कि आपके पास इतना बजट है कि आप वेबसाइट रन कर सकते हैं और बनवा सकते हैं, तो ही वेबसाइट पर जाइए, वरना गूगल ऐड और गूगल मैप आप बना के यहाँ पे अपना बिजनेस लेके आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।